जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका अपने ही YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आपने थंबनेल चेक कर लिया, वो एयरफोर्स एक्सेंट वाई ग्रुप इंटेक 01-2020 के लिए जो आपका फेज टू चल रहा है दोस्तों। अभी ये जो रिव्यू मिला है फेज टू का, वो मिला है बिहेटा से, और आपका 9 मई का है दोस्तों, ठीक है। 9 मई का जो बिहेटा एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है वहाँ से हमको रिव्यू मिला है, और विशाल भाई का बार बार धन्यवाद यहाँ तक रिव्यू शेयर करने के लिए। आप सभी का ही डिमांड रहता है कि कानपुर और सभी जगह का रहता है, बिहेटा जोधपुर सभी का मैंने रिव्यू देने की कोशिश की है। लेकिन आप दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के में आगे बढ़ने से पहले कि आप हमें रिव्यू शेयर करोगे तभी हम आप जैसे सभी भाइयों तक पहुंचा पाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उस सभी सोशल मीडिया का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो उसके थ्रू आप भेज सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, विशाल भाई ने जो भी यहाँ पे मेंशन किया है सब कुछ, जीडी का टॉपिक क्या रहा था, दौड़ कैसी होती है, वहाँ पे कितने बच्चे आउट हुए, क्या क्या प्रोसेस रहा, और किस में बच्चों को ज़्यादा आउट कर रहे थे, तो ये सभी प्रोसेस इन्होंने बताया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, और दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक कर देना, क्योंकि काफ़ी अच्छा मेहनत लगा है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इन्होंने मैसेज किया दोस्तों, ठीक है। तो मैंने इनके पास मैसेज किया था, तो इन्होंने बताया कि मैंने पूछा आपका PFT और आपका जो फेज टू कंप्लीट हो चुका है, तो उन्होंने बोला हाँ हो गया है, बीएटा में था और आसान था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मैंने पूछा आप अपना रिव्यू शेयर कर दीजिएगा विशाल भाई, तो यूट्यूब पर डालेंगे। मैंने हाँ ये से तो बोले कैसे बताऊँ, इन्होंने पूछा क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, हाय सर, 9 मई को बीहटा में 5:30 में रिपोर्टिंग था, सुबह 5:30 पर रिपोर्टिंग टाइम था, वहाँ पर 9 मई का है बीहटा से, ठीक है, बीहटा ESC एयरमैन सिलेक्शन सेंटर से। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ दोस्तों, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में मतलब फेज टू और फेज फर्स्ट के एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म देखे गए दोस्तों। जो आपका प्रोसेस होता है मैंने आपको बताया है, जो भी यहाँ पे होते हैं सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल साथ में लेके जाएं, ताकि वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आपको जो कैंडिडेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाते हैं और उनके मेज नहीं हो पाते कुछ थोड़े बहुत, तो उसके कारण ही आपको CSV मिलता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। तो CSV से बचने की कोशिश करें, और जिनके डॉक्यूमेंट में कोई, जैसे एक कैंडिडेट ने पूछा कि सर मेरे जो आधार कार्ड वगैरह के अंदर मदर और जो मेरा आधार कार्ड है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर उनका नाम वगैरह थोड़ा चेंजेज है, तो वो भाई चेंज करवा लो, ताकि आगे आने वाले समय में भैया कोई आपको परेशानी ना हो, कोई भी कैंडिडेट हो किसी भी डॉक्यूमेंट में करेक्शन है वो सुधार लो, ठीक है। फिर यहाँ पे कंसेंट जो फॉर्म है वो भरवाएगा, ठीक है दोस्तों। जो फॉर्म होता है कंसेंट, जो फॉर्म फिलअप करवाएगा, यहाँ पे 200 बच्चों की रिपोर्टिंग थी और 160 बच्चे प्रेजेंट हो पाए। जो बच्चे दोस्तों नहीं जा रहे हैं स्टूडेंट, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, भैया आप जाओ, यहाँ तक फेज टू देने के लिए आपका एक्सपीरियंस बनेगा, यहाँ तक जाने के लिए कि क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, घबराओ मत। काफ़ी कैंडिडेट आते हैं कि सर हमारा ये होगा या नहीं होगा, दोस्तों ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ना ही मैं बता सकता, ना ही आप बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितना बढ़ेगा। कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं मेरे तो सर 39 नंबर है, 40 है, तो मैं नहीं जाऊँगा, तो क्योंकि फाइनल मेरिट में नहीं होगा, मेरिट इंक्रीज होगी। दोस्तों ये भ्रम है वो निकाल दीजिए, आपको फेज टू देने के लिए जाना चाहिए, आपका एक प्लस पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद में दोस्तों इन्होंने जो भी विशाल भाई ने बताया, यहाँ पे विशाल भाई ने जो भी इसके बाद में बताया प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हमें बस में बिठाकर रनवे पे ले जाया गया, काफी चौड़ा रनवे, और सबको एक साथ में भगाया गया, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 160 के 60 स्टूडेंट को एक साथ में भगा दिया, यहाँ पे कोई बेंच नहीं बना, ठीक है। और काफ़ी बड़ा यहाँ पे इनका कहना है कि ट्रैक वगैरह था वो जो काफ़ी बड़ा ही था, ठीक है। तो इन पे एक साथ 160 बच्चों को यहाँ पे दौड़ा दिया गया, 160 लोगों को एक साथ यहाँ लिखा है इन्होंने, ठीक है। 56 आउट हो गए थे रेस के अंदर, और एक बच्चे 104 104 स्टूडेंट ही बचे दोस्तों यहाँ पे, देखिएगा काफ़ी स्टूडेंट आउट हुए हैं बाहर, ये पहला मैंने देखा है एक सेंटर जहाँ पे 56 कैंडिडेट आउट हुए हैं रेस रेस के अंदर, और 104 कैंडिडेट यहाँ पर फिट किसमें हुए हैं रेस रेस के अंदर। फिर उसके बाद में आपका क्या प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो रेस में पास नहीं हुए उनको मोटिवेट करके भेज दिया गया दोस्तों। तो मैंने आपको बताया मोटिवेट तो हर ही जगह करते हैं, ठीक है, जो भी सारा सेंटर होता है हमारा एयरमैन सिलेक्शन सेंटर इंडिया का, और हमें PFT 2 के लिए ले गए, ठीक है, PFT के लिए ले गए, उसमें भी आउट नहीं हुआ कोई भी, ठीक है। फिर SRT हुआ, इसमें जो आपका फिजिकल के बाद में थोड़ा रनिंग के बाद में सॉरी रनिंग के बाद में दोस्तों आपका जो हुआ पुशअप स्क्वेट सीटअप, उसके अंदर किसी भी बच्चे को आउट नहीं किया यहाँ पे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर SRT हुआ, 30 मिनट 45 क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपको है ना छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट सारे करने हैं पॉजिटिव सेंस के अंदर, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
बच्चे यही कर पाते हैं कि सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इन्होंने बताया बिल्कुल आसान था, ठीक है, इसमें भी कोई आउट नहीं हुआ था, SRT के अंदर कोई भी यहाँ स्टूडेंट आउट नहीं हुआ। यहाँ पर ओनली रेस के अंदर ही काफ़ी स्टूडेंट है वो बाहर कर दिए गए थे। और सेंटर पर मैंने अभी तक देखा जितने रिव्यू मिले हैं 4 या 5, तो उसके अंदर वो SRT के अंदर बाहर कर रहे हैं, PA और PFT के अंदर भी बाहर कर रहे हैं, और GD में भी बाहर कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे जो प्रोसेस है देखते रहिएगा। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाया गया। यहाँ पे आपको टाइम दिया गया, ब्रेकफास्ट कर सकते थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया गया आपका, ठीक है। तो इसके अंदर 2-3 घंटे इसी में लग गए थे दोस्तों, 2 से 3 घंटे का समय लगा था। जो दोस्त पूछते हैं कमेंट करिए कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर हमारा GD स्टार्ट हुआ और टॉपिक था जुवेनाइल क्राइम, मतलब किशोर अपराध, किशोर अपराध होता है उसको ही यहाँ पे बोला जाता है। ये टॉपिक मतलब बच्चों बच्चे होते हैं ना, उनका अपराध, बाल श्रम, आपका जो GD का टॉपिक था, ठीक है दोस्तों, ये था। और बिल्कुल ये आसान था, ठीक है, बिल्कुल यही आसान था आपका GD का टॉपिक। और तो इसके अंदर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, जो बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा था, इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे जल्दबाजी में गलती हो गई, जो भी बोल पाए उन्हें ही बाहर निकाला, ठीक है। मतलब इनका कहना ये नहीं है, यहाँ पे जो बच्चे कुछ भी नहीं बोल रहे थे, मतलब उसके अंदर कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अपना कोई भी थॉट नहीं रख रहे थे, कुछ भी मतलब नहीं बोला, तो उनको आउट कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। 17 बच्चे आउट हो गए दोस्तों। यहाँ पे भी GD के अंदर काफ़ी स्टूडेंट, पहला केस देखा है 17 स्टूडेंट आउट हुए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। उन्होंने सबको चांस दिया बोलने का और फिर भी नहीं बोल पाए, तो वहीं आउट हो गए थे दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मौका देते हैं तो मौका चूकना नहीं चाहिए, मौके पे चौका लगा देना चाहिए, मेरा कहना तो यही है, ठीक है। तो जो GD नहीं कर पाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जिन स्टूडेंट का भी GD नहीं हुआ है, तो दोस्तों कुछ सब तो अपने आप में तैयारी कर लो, ताकि आप एक्सप्रेस कर पाओ अगले वाले जो स्टूडेंट हैं या जो ऑफिसर हैं उनको, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो कम से कम सही ढंग से बोल पाओ, ताकि आपका एक्सप्रेस वहाँ पर अच्छी तरीके से बने। वहाँ के ऑफिसर कोऑपरेटिव थे, ठीक है, तो यहाँ पे उनके जो भी जो ऑफिसर थे वो काफ़ी अच्छे स्वभाव के थे, उन्होंने अच्छा व्यवहार किया। एयरमैन लोग जो उन्होंने काफ़ी हेल्प की, जो एयरमैन थे वहाँ पे जो लगे हुए पहले से, उन्होंने काफ़ी हेल्प की इनकी। ओनली पॉजिटिव माइंड सेट विल गेट यू थ्रू दिस प्रोसेस, उन्होंने हमेशा ही उन्होंने यहाँ पे उनको पॉजिटिव वे के अंदर बताया, ठीक है। और कुछ से सर, तो मैंने उनसे वो कुछ थोड़ा सा जानकारी लेना चाहिए था, तो यहाँ पे इन्होंने जो भी बताया है, जो आपका रनवे था, तो यहाँ पे इन्होंने रनवे बताया, लेकिन वे बिल्कुल स्ट्रेट एंड हार्ड सरफेस, ठीक है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, इन्होंने जो भी बताया प्रोसेस रनवे काफ़ी अच्छा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और एकदम आसान था, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने योग्य यही बात है कि आप अपने से ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिएगा GD के लिए और GD में। तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर जरूर कर देना जिन स्टूडेंट को इसकी डिमांड थी। मैंने सभी का रिव्यू शेयर किया है, जिन भाइयों ने यहाँ तक पहुँचाया है, विशाल का बार बार धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत। कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया तो अनअकैडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से अच्छे तरीके से किसी भी एग्ज़ाम की, तो वहाँ पर जाकर हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।